नमस्कार, न्यूज टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अरिन गुप्ता। एक खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। स्वर्णरेखा नदी में नहाने के क्रम में 5 बच्चे बहे, 3 को लोगों ने बचाया, 2 लापता, बस्ती में कोहराम। सरायकेला पुलिस लाइन में राइफल साफ करने के क्रम में सिपाही को लगी गोली, टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर। पेट्रोल डीजल ने मारा शतक, महंगाई से त्राहिमाम। सिख फेडरेशन ने पीएम को भेजा बधाई संदेश। और मांगो नदी घाट पर मिला महिला का शव, पुलिस शव की पहचान कराने में जुटी। अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। सिद्धौड़ा थाना अंतर्गत बाबूडी लाल भट्टा बस्ती के 5 बच्चे स्वर्णरेखा नदी में नहाने गए थे। नहाने के क्रम में वे गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। लोगों ने 3 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, पर 2 बच्चे पानी के तेज बहाव में बह गए, जिनका कोई पता नहीं चल पाया है। सिद्धौड़ा थाना अंतर्गत बाबूडी लाल भट्टा बस्ती में स्वर्णरेखा नदी में शुक्रवार दोपहर नहाने गए 5 बच्चे डूबने लगे। स्थानीय लोगों के सहयोग से 3 बच्चों को किसी तरह बचा लिया गया, जबकि 2 बच्चों की तलाश अभी भी जारी है। वहीं जिला प्रशासन के सहयोग से गोताखोरों की मदद ली जा रही है। फिलहाल दोनों बच्चों की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि 5 स्कूली छात्र हैं और स्कूल जाने में लेट हो जाने के कारण स्कूल के गेट बंद हो गई थी, जिसके कारण 5 बच्चे नदी की ओर नहाने चले आए। इसी क्रम में गहरे पानी में जाने से सभी डूबने लगे। नदी में स्नान कर रहे लोगों ने 3 युवकों को किसी तरह बचा लिया, जबकि 2 बच्चे पानी के बहाव में बह गए। दोनों में से एक बच्चा बाबूडी का रहने वाला है, जबकि दूसरा भुयाडी का। दोनों के नाम आशीष और नितिन बताया जा रहा है। द्वारा सूचना दी गई कि 2 बच्चे जो है नदी में डूब रहे हैं। हम लोग त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए गोताखोर को लगाए हैं और पहचान कर रहे हैं, डूबने वाले की पहचान कर रहे हैं। कितने लोग थे ये लोग? बताया जा रहा है कि 5 लोग आए थे, जिसमें 3 लोग नदी में डूबे थे, डूबने के नहाने के लिए गए थे, जिसमें 2 व्यक्ति डूब गए और 1 व्यक्ति नदी से बाहर आए। सरायकेला पुलिस लाइन में शुक्रवार की सुबह सिपाही दिलीप कुमार सिंह को सीने में गोली लग गई। उसे आनंद फानंद में टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि राइफल साफ करने के वक्त असावधानी के चलते गोली चल गई। सरायकेला पुलिस लाइन में पदस्थापित सिपाही आर्मर दिलीप सिंह को शुक्रवार दोपहर गोली लग गई। गोली सिपाही के सीने में लगी। साथ ही पुलिसकर्मियों के सहयोग से जवान को पहले सरायकेला सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से स्थिति की गंभीरता को देखते हुए टाटा मुख्य अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां जवान का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि घटना उस वक्त हुई जब वह अपनी बंदूक की सफाई कर रहा था। इधर घटना की जानकारी मिलते ही जिले के SP एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी टाटा मुख्य अस्पताल पहुंचे और जवान का हाल जाना। वो एक्सीडेंटल फायर हो गया है, राइफल का साफ सफाई करते वक्त एक गोली इसको लगी है, जो आर पार हो गई है और इसका स्थिति अभी ठीक हो गई। शहर में पेट्रोल और डीजल दोनों ने अपना शतक पूरा कर लिया है। लोग तरह तरह से अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन ने व्यंग्य करते हुए महंगाई के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को एक बधाई संदेश दिया है। देश में एक तरफ जहां 100 करोड़ के वैक्सीन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है, वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल के दाम भी 100 पार हो गए हैं। वैक्सीनेशन के लिए जहां देश में जश्न मनाया जा रहा है, पेट्रोल की कीमत को लेकर लोग अलग अलग तरह से विरोध भी जता रहे हैं। जमशेदपुर में साक्षी गुरुद्वारा के सामने तख्ती बैनर लेकर बैठे ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन के सदस्यों ने पीएम मोदी को पेट्रोल डीजल के दाम 100 पार होने के लिए बधाई संदेश भेजा है। इस संदेश पर 500 लोगों के हस्ताक्षर के साथ उसे प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा। संस्था के सदस्यों ने कटाक्ष करते हुए कहा कि वे लोग पीएम की प्रशंसा करते रहेंगे। इस अनोखे विरोध और कटाक्ष को देखने के लिए लोग लगातार वहां से गुजर रहे थे। हम हिंदुस्तान की जनता की आवाज़ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास उठाना चाहते हैं। आप सबको पता होगा पेट्रोल डीजल पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने शतक लगाया है। उनके इस नेक कार्य के लिए, सराहनीय कार्य के लिए आज हम उनको बधाई संदेश भेजना चाहते हैं। और जमशेदपुर की जनता की तरफ से हम लोग 5,000 बधाई संदेश उनको भेजेंगे। मानगो वर्कर्स कॉलेज नदी घाट पर शुक्रवार की सुबह एक महिला का शव देख लोगों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और महिला की पहचान अभी तक नहीं हो पाई।
मानगो जयप्रकाश सेतु के समीप वर्कस कॉलेज घाट पर शुक्रवार को एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया गया है। महिला की उम्र लगभग 35 वर्ष बताई जा रही। मामले की जानकारी देते हुए मानगो थाना प्रभारी विनय कुमार ने बताया कि लोगों ने सूचना मिली कि वर्कस कॉलेज नदी घाट के किनारे एक महिला का शव तैर रहा है। त्वरित रूप से मौके वारदात पर पहुंचकर शव को बरामद किया गया। हालांकि लोगों से पूछताछ की गई पर अब तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। कॉलेज के घाट के पास जो है स्थानीय लोगों के द्वारा सूचना दिया गया था कि वर्कर्स कॉलेज के पास एक महिला का शव है। तो हम लोग सत्यापन के लिए गए तो वहाँ पर महिला का शव मिला, तो हम लोग अभिलंब से उठाकर क्योंकि पानी में ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा देर का नहीं, तो लोग तुरंत हॉस्पिटल ले आए। हॉस्पिटल में डॉक्टर के द्वारा उसे मृत घोषित किया गया। पहचान कराने की कोशिश किया जा रहा, स्थानीय लोगों के द्वारा पहचान कराया गया परंतु किसी ने नहीं पहचान किया। रोजगार एवं विकास के मुद्दे को लेकर 24 अक्टूबर को रांची में अल्पसंख्यक अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के अलावा मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी भी मौजूद रहेंगे। मेरा नाम रईस रिजवी हुआ, सचिव हैं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के। 24 तारीख को अल्पसंख्यक अधिकार सम्मेलन रांची बरियातु मैदान में हो रहा है, जिसके मुख्य अतिथि हैं मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी जी और विशिष्ट अतिथि में जनाब राजेश ठाकुर जी हैं, आलमगीर आलम साहब हैं, रामेश्वर उरांव जी हैं, बन्ना गुप्ता जी हैं, बादर पत्रलेख जी हैं, हमारी एकमात्र संसद गीता कोड़ा जी हैं और बंधु तिर्की जी हैं जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। सामाजिक कार्यकर्ता चंदन यादव ने भाजपा नेता अभय सिंह, विधायक इरफान अंसारी और झामुमो नेता बाबर खान को कटघरे में रखते हुए तीनों पर शहर की शांति भंग करने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया है। दुर्गा पूजा के दौरान भाजपा नेता अभय सिंह और उपायुक्त के बीच विवाद के बाद मामले को लपकते हुए झामुमो नेता बाबर खान ने एफआईआर करते हुए अभय सिंह की गिरफ्तारी की मांग की। उसके बाद विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी द्वारा अभय सिंह को बाहरी कह दिए जाने से मामला और गर्मा गया। इधर सामाजिक कार्यकर्ता चंदन यादव ने तीनों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब पूरे शहर को जलाने का काम ये तीन दंगाई, पहला दंगाई अभय सिंह, दूसरा दंगाई बाबर खान, तीसरा दंगाई इरफान अंसारी। हर समय हमारे शहर को का जो वातावरण है, डेली फेसबुक में कभी जिला का जितने पत्रकार भाई है सारे अखबार में डलवा रहे हैं, महंगाई पे बातें नहीं करते हैं। और जिला के हम तो खुद सोच में पड़ गए हैं कि एसपी साहब क्या करेंगे आगे। मेरा बात सुन लीजिए, एसपी साहब और डीसी साहब इतना साइलेंट क्यों है। ब्रह्मानंद महाराज के जन्मोत्सव के मौके पर 25 अक्टूबर को ब्रह्मानंद मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में निशुल्क परामर्श एवं जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। उक्त जानकारी अस्पताल के मैनेजिंग ट्रस्टी मोनू भट्टाचार्य ने दी। ब्रह्मानंद सेवा संस्थान के द्वारा गुरु ब्रह्मानंद के जन्मोत्सव को मानव सेवा पर मनाया जाएगा। आगामी 25 अक्टूबर को सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में इसके लिए मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे। इसकी जानकारी संस्थान के संरक्षक मोनू भट्टाचार्य ने एक प्रेस वार्ता के दौरान दी। उनका जन्मदिन है, जिनके नाम पे हॉस्पिटल है उन्हीं का जन्मदिन है, तो उनके जन्मदिन 25 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। क्योंकि अभी कोरोना का ये भयानक दौर चल रहा है, इसलिए कर्टेन कुछ किया गया है, बट फिर भी जहाँ तक शरीर का मामला है उस मामले को दिमाग में रखते हुए, प्लस पैसा की तंगी को दिमाग में रखते हुए तमाम लोगों को मदद किया जा रहा है। डिगा गांव है गढ़शिला में, उसमें जाकर के कैंप किया जा रहा है उसी दिन 25 अक्टूबर को। उसमें से पेशेंट चुनेंगे, या मैं ऐसा वर्ड को बोलना ठीक नहीं होगा कि पेशेंट चुनेंगे, मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा बात मैं बोलूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सर्वे संतुलित निराम है, मतलब सब लोग ठीक ठाक रहे। पंचायत चुनाव की तैयारियों में सभी राजनीतिक दल जुट चुके हैं। इसी कड़ी में परसुड़ी में प्रखंड स्तरीय आजसू पार्टी ने कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। शिविर में पार्टी के महासचिव रामचंद्र सईस ने कार्यकर्ताओं को कई टिप्स दिए। गौरतलब हो कि आगामी दिनों में क्षेत्र में पंचायत चुनाव होना है और इस इलाके में चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। आजसू पार्टी भी राज्य भर में पंचायत चुनाव को लेकर दमखम भर रही है। ऐसे में परसुड़ी इलाके में महिला कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने हेतु इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। राज्य के पूर्व मंत्री सह पार्टी के प्रधान महासचिव रामचंद्र सईस के द्वारा पार्टी को मजबूती प्रदान करने की दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं। माता जी के नेतृत्व में आप
पूरे प्रदेश भर में प्रथम चरण में 260 प्रखंड के 26,000 सक्रिय कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का एक निर्णय लिया है और उस निर्णय के आलोक में आज जमशेदपुर प्रखंड के दो जगह पर प्रशिक्षण कार्यक्रम हो रहा, एक परसुडी हलुदबनी चौक पर, दूसरा प्रशिक्षण स्थल गोविंदपुर। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी का जन्म दिवस धूमधाम से सांची स्थित कार्यालय में मनाया गया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष गुंजन यादव, भरत सिंह समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी का जन्मदिन काफी धूमधाम से जिला भाजपा द्वारा मनाया गया। प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता भरत सिंह के नेतृत्व में डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी की उपस्थिति में यहां केक काटा गया। मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष गुंजन यादव समेत जिला भाजपा के कई पदाधिकारी मौजूद थे। सभी ने अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को फूलों का गुलदस्ता देकर बधाइयां दी। भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 4 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे ऐसे हमारे अभिभावक डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी जी का आज हम सभी नौजवान और जितने भी भाजपाई हैं उनका जन्म दिवस मना रहे हैं। श्री कृष्ण सिन्हा संस्थान द्वारा शुक्रवार को बिहार केसरी के नाम से मशहूर डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा की जयंती मनाई गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर अमरप्रीत सिंह काले और शिक्षाविद डॉक्टर एस राजी भी मौजूद थे। सभी ने इस दौरान श्री कृष्ण सिन्हा के जीवन और उसके बलिदानों पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा कि देश की आज़ादी के लिए श्री सिन्हा ने गंगा में बैठकर संकल्प लिया था और आज़ादी की लड़ाई के दौरान उन्होंने अपने परिवार को भी पीछे छोड़ दिया और देश की आज़ादी में अपनी अहम भूमिका निभाई, जिस कारण वे आज के समाज के प्रेरणा स्रोत हैं और उनके बताए मार्ग पर सभी को चलना जरूरी। हमारे आदरणीय अभिभावक श्री हरि बल्लभ जी आरसी जी का आभार प्रकट करता हूं। पिछले कई कालखंड से 28-30 वर्षों से समाज सेवा का कार्य हमारी संस्थाओं के द्वारा निरंतर जारी है। श्री कृष्ण संस्थान में आज एक कार्यक्रम हुआ और वो जयंती मनाई जा रही है। श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर थे या बिहार के वो पहले मुख्यमंत्री, उनके याद में बहुत सारे शिक्षण संस्थान भी खुले हुए हैं बिहार और बिहार के अलावा दूसरे राज्यों में, और कुछ मेडिकल कॉलेज जैसे मुजफ्फरपुर में एक मेडिकल कॉलेज है श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज, इन्हीं के नाम पे श्री कृष्ण बाबू के नाम है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज टाइम्स। होमियो हर्बल मेडिसिन द्वारा सफेद दाग एवं सोराइसिस का सफल इलाज, डॉक्टर जगदीश प्रसाद MDEH। टाइम 9:30 AM to 1 PM डेली। एड्रेस नियर राम मंदिर, टेम्पो स्टैंड सोनारी, जमशेदपुर। हाउस नंबर EY 362। कॉन्टैक्ट 9031950346। बवासीर से अब घबराना क्या,
चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर दो तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। डकेडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने कॉन्टैक्ट 9308081071 9031612032। इंडियन बेकरी स्पेशलिस्ट इन केक एंड कॉन्फेक्शनरी आइटम। ऑनलाइन बुकिंग फैसिलिटी। स्पेशलिस्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ पेटीज, केक, कुकी, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, एगलेस केक, बर्थडे केक, एनिवर्सरी केक, वेडिंग केक। All types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family. शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड, आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन।